नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत सिंह है, ग्राम मोखा पिपलिया, तहसील बागली, जिला देवास, एमपी का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 20 नवंबर 2013 में रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली, सतलोक आश्रम बरवाला से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हम भक्ति करते थे, ब्राह्मण को बुला करके गांव में 7 दिन का भागवत कराना और 9 दिन की 9 रात्रि करवाना और पूरे गांव भर के देवताओं की पूजा करवाना, उनको सिंदूर लगाना, नारियल चढ़ाना, सबसे चंदा लेकर के भंडारा करवाना, हनुमान जी की पूजा करना, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करवाना, ये सब मैं करता था। जिसके बाद मैंने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू की संस्था है, वहाँ माउंट आबू में बहन जी आए, बहन जी ने कहा कि परमात्मा ये ज्ञान लो दादा, ये इस ज्ञान से मतलब परमात्मा प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि परमात्मा निराकार है और निराकार है शिव बाबा, निराकार है। तब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू वहाँ हम गए, वहाँ देखा हमने, हमने कहा ठीक है। वहाँ गए तो हमसे बहन उन्होंने पैसे लिए, भैया सेवा के लिए पैसा देना पड़ेंगे, हमने 2000 रुपये दिए सेवा के। हमको फिर बताते हैं कि ये परमात्मा है, एक गुलजार दादी है, उनके तन में भगवान परमात्मा आते हैं और ये सबको मुरली सुनाते हैं और ज्ञान अमृत का ज्ञान देती है। तो हम 15 साल तक उस ज्ञान में चले। वहाँ तो हमने देखा कि वहाँ तो भूत आत्मा आती है, उनके शरीर में कोई मतलब भगवान तो आता नहीं, भगवान यदि आता तो जिस बहन जी के शरीर में मतलब दादी के शरीर में जो परमात्मा आता है उनको कैंसर की बीमारी हो गई और कैंसर की बीमारी उनका ऑपरेशन हुआ कैंसर का, यदि वो परमात्मा यदि होता उनके शरीर में तो उनके कैंसर की बीमारी भी खत्म हो जाती। हमने देखा कि दादी उन्हीं को वो तो उनके कर्म का भोग तो भोगना पड़ता है, उनके जब अपने को कर्म का भोग भोगना है तो भोगेंगे, करो और चोरी करो, लूटो खाओ, लोग उनको भोगना है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ये बताते हैं ड्रामा है, ये ड्रामा बना हूबहू बना हुआ है, 5000 साल पहले भी तुम आए थे यहाँ और 5000 वर्ष बाद भी तुम यहाँ पर आके मिले हो, ये सब हमको बताते हैं। तो सर जब आप इतनी भक्ति साधना करते थे और ब्रह्मा कुमारी पंथ में भी थे तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हमारा एक इंदौर के हैं नरेंद्र सेठ, वो एक दिन आए, उन्होंने हमको ज्ञान गंगा दी कि दादा ने कि ये ज्ञान गंगा को ये देखो से यू ये रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा थे, इस ज्ञान गंगा को पढ़ो। मैंने देखी यार ज्ञान गंगा कुछ प्रश्न देखिए उनकी हिम्मत अच्छी बात बताई हुई है, तो मैंने कुछ उसको पढ़ी। नुक दादा अभी मतलब जाकिर नाइक से मतलब रामपाल जी महाराज की डिबेट हो रही है, इनके रामपाल जी महाराज के सामने कोई भी नहीं जाता है, इनके शंकराचार्य है जितने धार्मिक जो है ना उनसे सबसे उनकी डिबेट हो चुकी है, कोई भी उनके साथ में उनका प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे सकता है। आज तुम शाम को साधना चैनल पर देखना, हमने देखा संत रामपाल जी महाराज देवी भागवत पुराण के 123 पृष्ठ पे वो बता रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश जो इनकी जन्म मृत्यु होती है और इनके भी माता पिता है। हमने देखा चलो ठीक, ज्ञान गंगा पढ़ी उसमें भी बताया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता देवी दुर्गा उनकी माता है और काल निरंजन उनके पिता है। तो हमने पूरी ज्ञान गंगा को 5 दिन में पढ़ के पूरी कर दी, हमको बहुत आनंद आया कि ऐसा ज्ञान तो अभी तक हमको मिला ही नहीं था, ये कहाँ छुपा था, ये परमात्मा का ज्ञान सतलोक आश्रम बरवाला में मेरे लड़के को रामपाल जी महाराज का देखने के लिए बन के देख के आओ भैया, यदि मैं चला जाऊँगा तो मेरी बात नहीं मानेगा पर तू चला जा और तू जा करके वहाँ देख के आके भाई कैसा क्या प्रोग्राम है। फिर भी आया, उन्होंने देखा बाबू जी बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जैसे ओम शांति में आप बताइए जैसा नहीं इससे भी बढ़िया कार्यक्रम है युग माप और सब खाने पीने की सब व्यवस्था है, अपने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सबके ज्ञान दे माँ की जगह और सबके माँ आशीर्वाद दे परमात्मा। तो हमने फिर सतलोक आश्रम बरवाला की टिकट हमने हरियाणा जाने के लिए कटाई, फिर हम 12 आदमी को तैयार किया, मैंने 12 आदमी को ले करके मैं उनके साथ में सतलोक आश्रम बरवाला हरियाणा गया। फिर हम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दान लिया। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर, हमको बहुत लाभ हुआ, सब मेरे को बीमारी थी, मेरी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ गई थी, पेशाब में जलन होती और पेशाब में पानी जैसा शकर जैसी चाशनी निकलती थी, कम से कम 6 साल से मतलब ये व्यवस्था लगी थी। मैंने ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे भी जा करके मैंने भी अर्जी लगाई वहाँ की जगह, वहाँ पेटी में कागज लिख के डाला कि परमात्मा मेरी बीमारी ठीक कर दो, वो नहीं हुई। बहन जी से बोला कि बहन जी आप ब्रह्मा कुमारी बहन हो और मतलब ये तुम परमात्मा को तुम योग लगाते हो, योग शक्ति से देखो कि मेरे को परमात्मा से कुछ मेरे को राहत मिले। ब्रह्मा कुमारी बहन ने बोला कि भैया कर्म तो भोगना पड़ता है, उन्होंने वो आई गई कर दी, कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का बरवाला जाकर के मैंने नाम दिया और नाम देने के बाद ही मेरी 8 दिन बाद ही मेरी ये बीमारी खत्म हो गई। उसके बाद खेत में जा रहा था, खेत में जाने के बाद किसी जानवर ने मेरे को ये पाँव में ये काट लिया, फूंक मार दी, फूंक मारने से मेरे को पाँव में बिल्कुल यो कर गया, पक गया पाँव। पकने के बाद में मैंने किसी के कहने से झड़वा लिया, झड़वाने के बाद और ज़्यादा हो गया।
फिर मैंने क्या मेरे को ये बहुत बीमारी हो गई, अभी तक ठीक नहीं हो रही, इसका क्या तुमने तुमने क्या किया? नहीं कि मैंने यार झड़वा लिया, नहीं बहुत तुम्हारा मंत्र खंडित हो गया, गुरु जी ने जो आपको नाम दिया था नहीं वो कनेक्शन आपका टूट गया, अब मतलब फिर से मतलब कनेक्शन को अर्जी देना पड़ेगी, आपको कनेक्शन फिर से मतलब देना पड़ेगा, जब तुम्हारा कनेक्शन आपका लगेगा फिर से संत रामपाल जी महाराज से फिर से हमने नाम दान ली, दीक्षा ली वहाँ से, तो दो दिन बाद तो मेरा पग पका हुआ था, वो बिल्कुल ठीक हो गया। जिसके बाद मैं एक दिन वहाँ की जगह बैठा, वहाँ पशु होने के पानी पीने की ठेड़ है ना, उसके नीचे से नागिन निकली, नागिन निकली, उन्हें नागिन ने मेरे पाँव में काट लगाया, तीन दांत लग गया उसे। संत रामपाल जी महाराज अपना इतना बड़ो गुरु है और जो इन्हें जहर के भी खत्म कर सके वो, आज ये परीक्षा की घड़ी है, परमात्मा की शरण में अपन पड़िया है, तो हमने फिर वो दीपक लगाया और परमात्मा के सामने हम जो सतनाम मिला था उस सतनाम का हमने उच्चारण किया, संत रामपाल जी की कृपा से हमको कुछ भी मालूम नहीं पाया और हम ठीक हो गए। जिसके बाद घर वाले ने कहा तू यदि उनको ना मंत्र वाले से नहीं करवाए तो अस्पताल तो चला जाओ, तो मन के चलो इनको कुछ शांति मिल जाएगी, तो हम अस्पताल गए। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि ऐसा यह जानवर ने ऐसा काटा है कि अभी तक तो तुम्हारी चमड़ी सड़ जाना थी, ये कैसे मतलब होता है, बहुत बड़े जानवर ने काटा है आपको, तो तुम उनके साहब हो, तो संत रामपाल जी की कृपा है, हमारे गुरुदेव की कृपा है, उन्होंने हमको बचाया है, आज आपके सामने हम खड़े हैं, नहीं तो क्या जहरीला जानवर के काटने से नहीं बच सकते, हमने ये बताया डॉक्टर को। और हम आम के पेड़ पे चढ़े, डाल को पकड़ा, डाल को पकड़ो को फट से डाल फट गई, फटने के बाद हम नीचे गिरने पड़े, गुरुजी ने हमारा गुरुजी आए पीछे देखा तो गुरुजी खड़े और उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, दोनों हाथ से थाम लिया, 40 फीट नीचे यदि गिरता सर मर जाता। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की कृपा से मेरे को जीवन दान मिला उस दिन। जिसके बाद मैं मोटरसाइकिल से गिर गया तो मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से पूछा मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा क्या है, तुम्हें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, उनके साहब घुटना का ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है। मैंने संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुदेव से हमने अर्जी लगाई कि हे गुरुदेव आप इस डॉक्टर से भी बड़े हो तो मेरा ऑपरेशन टाल दो, संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऑपरेशन को टाल दिया, आज मैं करना। जिसके बाद मैं गिर गया, कमर में या डिस्क में चोट लग गई, डॉक्टर कहने गया, एक्सरे करा, एक्सरे नहीं आई, फिर उन्होंने MRI की, MRI में भी मेरे को कोई बताई कि आपके मतलब ये जो क्रैक हो गई आपकी हड्डी, आपका ऑपरेशन होगा, आप सोमवार के रोज आना, डॉक्टर आएगा बम्बई से, तो सोमवार के रोज गए, डॉक्टर ने कहा कि बम्बई आपका ऑपरेशन होगा। दूसरे दिन संत रामपाल जी महाराज से मैंने अर्जी लगाई, दीपक लगाओ और गुरुदेव से की है, गुरुदेव आपने नाम दान दिया ना, आप सबको दुख दूर करने के लिए संसार का मतलब आए हुए हैं, तो आप मेरा भी इलाज कर दो, आपसे बड़ा डॉक्टर दुनिया में कोई भी नहीं है। वो गया सुबह, डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया केवल 25 रुपया का, जिसमें मेरी कमर ठीक हो गई, जबकि डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला, एक परमात्मा ने ये मेरे को करिश्मा बता दिया, एक करिश्मा मेरी पत्नी को दांत में दर्द होता था तो दांत निकला तो उनको 3 महीने तक उसको पीप निकला दांत में से, दर्द होने लग जा, दिन में 3-4 बार गोली देना जब वो दर्द बंद हो, अस्पताल में ले गया, 3 डॉक्टर को ले गया, तीनों डॉक्टर ने किया भैया इनको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर वहाँ एक इंदौर ले गया डॉक्टर अग्रवाल के पास, डॉक्टर अग्रवाल ने इंडोस्कोपी डाली पेट में और इंडोस्कोपी डाली, उन्होंने बताया कि इनको तो चमड़ी काट करके इनको बम्बई भेजना पड़ेगा, इनकी जांच होगी। घर आए तो घर वाले ने कहा नहीं ऐसा नहीं, अपने तो चमड़ी नहीं कटवाना, चमड़ी काट डाके तो ज़्यादा मतलब फैल जाएगा, नहीं करना। मैंने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से मैंने शाम के आरती करी, आरती करने के बाद मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, हे गुरु जी आप इस बीमारी को आप नहीं कर सकते हो ठीक। जब मैं सतलोक आश्रम बरवाला गया तो मैंने मेरी भक्तमती से बोला कि मैं भी जा रहा हूँ, आप मेरे साथ में चलो क्या? उन्होंने कहा मैं चलूँगा, वो भी मेरे साथ में गई और परमात्मा से नाम दान लिया। नाम दान लेने के बाद मेरी पत्नी को जो दर्द होता था वो दर्द ही वहाँ से ख़त्म हो गया, आज तक वो थनथना तो कोई दर्द नहीं है दांत में। मेरे लड़के को माइग्रेन की बीमारी थी 6 साल से, 3-3 दिन 8-8 दिन तक दर्द होता रहता, सब उसकी वो MRI के लिए सिटी स्कैन भी करवाई दी, कोई भी डॉक्टर से कोई आराम नहीं हुआ। जब उसको मैंने भेजा सतलोक आश्रम बरवाला जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पास, और वहाँ से आने के बाद आज तक उसका कोई दर्द नहीं है, माइग्रेन की बीमारी खत्म हो गई। मैं फिर तीसरी बार गया, मैं 27 सवारी मतलब मेरे साथ में ले गया, 27 सवारी का रिजर्वेशन करवाया रेल ट्रेन से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे?
ये कहना चाहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत भित्थाना धर्मस्यम तदात्मानाम सजाम्यम साधुनामा विनाश्यन्ति दुष्कताम धर्म संस्थापना स्थायस्ति संभवामी युगे युगे। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का प्राबल्य हो जाता है तब तब मैं शरीर धारण करता हूँ पापियों का विनाश और धर्म की रक्षा करने वाला की मैं रक्षा करता हूँ। तो वो परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आ गए, उनसे नाम जान लो और अपने जीवन को सफल बनाओ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दान लेने के लिए हर गांव में आजकल परमात्मा ने आदेश दे रखा है, हर गांव में संत रामपाल जी के भक्त जाते हैं और पुस्तक सेवा करते हैं, पाम्पलेट बांटते हैं और सबको कहते हैं कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी का सत्संग है, आज आपके गांव में रखा गया है, आप सभी उस पर पधारना, वहां पे संत रामपाल जी महाराज से नाम दान की दीक्षा भी दी जाएगी। किसी को भी लेना हो तो वो मतलब ले सकते हैं, दीक्षा लेकर के अपने जन्म को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।